गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सुबह का दिन है और बज चुके हैं, बताती हूँ आपको, 11:45। ये नहीं मम्मी, गुड मॉर्निंग कर दो मम्मी, गुड मॉर्निंग। आज एकदम हैप्पी हैप्पी मूड है क्योंकि मैं लेट उठी हूँ, तो इसलिए सास ससुर और भी खुश है। इनका इससे लेट नहीं हो सकता था, फाइनली मम्मी ने उठाया। आपको बाहर का नजारा दिखा देती हूँ दोस्तों। ये देखिए जरा मुंबई की बारिश, ये देखिए क्या बारिश हो रही है। ये देखो ऐसी तेज बारिश है, मैं यहाँ से भी दिखाती हूँ, बहुत ज्यादा तेज बारिश आज। इसीलिए शायद मुझे पता भी नहीं चला कि क्या टाइम हो गया। ये देखो कितनी तेज बारिश है, आज बारिश नहीं रुकेगी। आज लगता है मम्मी बारिश नहीं रुकेगी। ये मेरी यहाँ पे छोन पापड़ी बैठी है, अंदर सोई हुई थी अभी। ये ना मेरा चिट्टू सबको काटने में लगा हुआ है, वहाँ आके बैठी है ताकि मैं काट लूं। देखो उसके मुंह के पास जाके बैठी है, फोटो खिंचवाएगी। अभी जरा मैं थोड़ी चाय पी लूं, चाय बन रही है मेरी, फिर आपसे मिलती हूँ। क्यों हंस रही हो मम्मी? आप बोली हो कि मतलब आज बारिश हो रहा है इसलिए मुझे टाइम का पता नहीं चला। मैं ये बोल रही हूँ जिस दिन बारिश नहीं होती उस दिन टाइम को पता चलता है। ये मम्मी ने मुंह पे मारा मेरे झापड़। पापा आपका कुछ कहना है? आज आज टाइम का पता नहीं चला पापा मुझे, बिल्कुल अंधेरा। बारिश में मौसम ठंडा होता है ना, इसलिए पता नहीं। पापा मेरा साथ दे रहे हैं कि बहू की इतनी ज्यादा वो ना हो जाए, लेकिन तो मम्मी ने खुल के बोल दिया। मैं तो वही बना रही थी तभी बोल दिया था, हंसी रुक नहीं रही थी, सच्चाई बोल दी। तो मैं बोली अब बताई देती हूँ कि क्या बात है, किस लिए हंस रही हूँ, कहीं सका और कहीं न चला जाए। सही बात बता दूं, दिल्ली में भी हो रही है बारिश। सारिका ने पकौड़े बना के डाले, दिखाओ जरा पकौड़े सारिका के। अरे तो बहुत कुरकुरे पकौड़े हैं भाई। निशा ने कमेंट किया कि मार ही डालोगे भाई, पकोड़े चाय सब कुछ ही है, और हमारे यहाँ पर एक अन्न का दाना भी नहीं है घर में। ये मेरी चाय बन रही है, पापा मम्मी की बना रही है। दीदी बना रही है, दीदी आपके लिए भी मना कर रही है मम्मी। ठीक है मेरी बन जाएगी, कोई बात नहीं। और जैसे ही कैंडी को ऊपर चढ़ने का मौका मिला है, ये चटाखोरी इसने दोबारा चाटना वाटना शुरू कर दिया है। मम्मी इसको नीचे बिठाओ, बैठा नहीं तभी तो उदास है, नीचे बैठा दिया तो उदास है, तो ऊपर बिठा लो, ऊपर फिर सिर पर चढ़ जाएगी, फिर मार खाएगी और क्या। वो देख रही है मुझे, आ जाओ बैठा हूं यहां। क्या है, क्या हुआ है, ऊपर बैठना है? जा मुझसे परमिशन मांग रही है, जा 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 बैठ जा, जा मेरी गुड़िया, मेरा गुड्डा भी आ गया। टैली को भी ऊपर नहीं मिला है क्या बैठने को? जा जा ना मम्मी, मम्मी बुला लो, बुला लो, आजा ऊपर चढ़ो। अच्छा आजा आजा, वो मेरा ही विचार ही है, आजा आजा अच्छा मम्मी ले लो कुर्सी में बैठोगी। ए थूथणी चैलू, बाहर बारिश का मजा लेना, आजा मिल लेते, बाहर बारिश का मजा भी ले लिया, आजा बैठ के आराम से बारिश का मजा। क्या अरे 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 अरे, पापा ने टाइम नहीं दिया है, पापा ने टाइम नहीं दिया। अल्ले अरे अल्ले अरे अरे, पापा उसको उसको ना करा करो, उसको आप ही तो हो एक जो प्यार करता है। मम्मी तो बहुत पक्षपाती हैं, बोल दिया ना थोड़ा सा तो आ गई है। हाँ देखो आप पापा वहाँ बैठी थी, पापा वो बहुत समझदार है, बारिश देख रही, हाँ बारिश देख रही थी। क्यों देखो, अरे मम्मी देखो जरा, करो उसको करो ना ऐसा, चिट्ठी को मारूंगा मैं इसको, तो बहुत करती हूँ। नहीं मिल पाया बाबू, आए आई लिव यू चाहिए, भोंदू बाबा है मेरा, भोंदू नहीं, भोंदू एक जगह से दूसरे जगह, इसका बॉल खेलते समय देखा इसका लेवल क्या होता है, उसके बाद पस्त हो जाती है, तुरंत पस्त हो जाती है, लेकिन खेलती तो है वो, तो पस्ती रहती है। 24 घंटा हो गया इसको, 22 दिन। अरे पापा उसका लाड का वो देखो किस तरह से आपके साथ, मेरा सफेद कुत्ता लाल कुत्ता बन गया, पैर जब ऐसे 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 करके चलती है। देखो 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 क्या हुआ है, क्या हुआ चैलू को? अरे दोनों तरफ बुला रहे हो, कहाँ जा रहे हो? मम्मी आप बुला ना, चैलू कहाँ हुआ है, चैलू कहाँ हुआ है, मेरे बीवी को कहाँ हुआ है? ओए रे बाप रे, मेरे चैलू छप छे पाला बब्बा, अरे बाप रे पूरा पॉलिश कर दिया, पॉलिश जी। यहाँ पे लग गया है हमारा खाना, और ये पता नहीं ये मम्मी ये सब बीन्स आलू, लेकिन गाजर भी अंदर, और ये रही हमारी दाल, ये हमारा कुछ ककड़ी जिसके लिए आ चुके हैं यहाँ पे, ये राइस, और अब हम लोग सब बैठ के खाना खाने लगे हैं। मैं मम्मी नहीं लूंगी, मैं सिर्फ दाल और चावल ले लूंगी, मैं गाजर नहीं खाती मम्मी, गाजर करेगा नहीं मम्मी, नहीं ना मम्मी।
अच्छा चख लेती बस हो गया। लेकिन तो हम लोग निकल रहे हैं, एक्चुअली हमें जाना है पूरा ग्रोसरी शॉपिंग के लिए, तो बहुत सारा सामान लेना है, मतलब घर का एक्चुअली नॉर्मल से भी कई ज्यादा लेना है क्योंकि गणपति भी आ रहे हैं। तो हम लोग वंस फॉर ऑल ही सारा का सारा सामान ले लेंगे सो दैट हमें दोबारा जाने की जरूरत ना पड़े। अब मम्मी आपको एक्चुअली पता है ना कि लेना क्या क्या है, ले लेंगे जो जो भी अब लाइन में आता जाएगा। एंड प्लस हम लोग जो नहीं लेंगे वो है मसाले, मम्मी मसाले नहीं उठाएंगे, मतलब जो जरूरत वाला मसाला है ना वही उठाएंगे, बाकी बहुत मसाले घर में पड़े हुए हैं तो वो छोड़ के हम लोगों को सारी शॉपिंग करनी है, मतलब बुरी तरह से। मिलते हैं दोस्तों। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने आज जैकेट क्यों पहनी है, क्योंकि मुंबई में ठंड बहुत है, बारिश बहुत हो रही है ना, तो मेरे को ठंडी लगती है। तो इनकेस अगर हम लोग कॉफी पीने गए अच्छा, तो फिर वहां पे तो ठंडी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। कॉफी वाला कार्ड क्यों दिया मेरे पापा को ना, बोलिए चलाती है कोई लग रहा है वहां से। मैंने सारे कार्ड पापा को दे दिए, मैंने कहा पापा कार्ड ये वाले रख लो, तो पापा उसमें से देख रहे होंगे कि ये कॉफी वाला कार्ड क्यों है मेरे पास, वहीं से पकड़ लिए होंगे पापा। पापा को पता लग गया होगा कि कॉफी पीने भी जा सकते हैं। चलो दोस्तों अभी मिलते जरा आपको वहीं पे। अरे दुपट्टा किधर गई? नहीं लिया मम्मी, इतनी कंफर्टेबल होना चाहती थी कि दुपट्टा ही नहीं लिया। सामान मैं छाते में दुपट्टा कहाँ से? मेरे को लग रहा है सारे ही सामान छाट डालोगी मम्मी आप। बेटा ना होने का पूरा फायदा उठा रहे हैं हम, सारा घर की शॉपिंग कर रहे हैं। बेटा भी आ जाएगा। अरे बेटा लेकिन आज आ रहा है भाई, निकल गया है फ्लाइट की ओर, बेटा आ रहा है खुशी में। मैं हम लोग वो भी वो बुक करा देते है ना, वो क्या होता है वो जो बजाते हैं पापा, वो भजवा देते है ना बेटा आने की खुशी में। चलिए जी, ये तो इसमें बड़ी लो ना मम्मी, बड़ी कहाँ है ये री? एक पैकेट है वैसे अभी, एक पैकेट है तो फिर ये वाला ले लें, ये वाला ले लो, ये लेना मम्मी सब हाँ ये ले लेते हैं। और क्या क्या चाहिए देखो, साबुन बर्तन धोने का ही सब होगा मम्मी यहीं पे होगा, ये भी ले लें, ये भी लगेगा ना। साबुन है कहीं बर्तन धोने वाला? यहाँ पे देखो दो दो ट्रॉलीज हो चुकी हैं हमारी, दोनों ट्रॉलीज भर गई हैं, एक पापा ने पकड़ी हुई है एक मैंने पकड़ी हुई है। क्या ले रही हो मम्मी? रबर, फेवरेट चीज है, लगती ही रहती है, फास्ट रिलीफ ले लेते हैं, बहुत लगेगा कमर में दुखेगा ना खाना बनाएंगे तो। तो जी हमारा पूरा राशन का सामान आ चुका है, और बताओ हम लोग कहाँ हैं, बताओ बताओ बताओ। हम लोगों ने बहुत शॉपिंग करी है, बहुत शॉपिंग करी है, पूरा घर का सामान अभी घर जाके आपको दिखाएंगे कि कितना सामान आया है, मतलब पूरा घर भर जाएगा, पूरी किचन भर जाएगी, घर जाके सामान समेटना है। तो आई थॉट मैं पहले एक कप की कॉफी पी लेती हूँ, उसके बाद ये सब काम शुरू करेंगे दोबारा एक ब्रेक के बाद। चलो अरे घूमने करने नहीं जाना, अरे घूमने करने नहीं जाना है क्या? आप अजी को मेरे पास कैसे आ रही है, आप कैसे आ रही है? जैसे विदाई होती बेटी का सीने से कह रही विदाई होती है बेटी का सीने से लग जाती है, माँ के सीने से लग जाती है बेटी, ना जाती नहीं है तेरी, चल जल्दी भैया मुझे पता है तू तेरे नाटक है भैया, तेरे को बहुत प्यार से लेके जाता है, मैं छप देख चुकी हूँ, चल चल दलगिद्दड़ घर भरा है चाल। जा क्या घूमी करके? हाँ मम्मी अभी भी बताया अभी नाश्ते की वो लिफ्ट पे। कौन सी लिफ्ट से आना क्या मैं लिफ्ट में हूँ? एयरपोर्ट के लिफ्ट में तो नहीं है, एयरपोर्ट के लिफ्ट में नहीं होगा, उसने बोला मैं लिफ्ट में हूँ। ये तो नीचे गई, तू भी बाहर आ गई है, चल अंदर चल चल चल। अरे बड़ी मुश्किल से चेरी गई है नीचे घूमने, हाँ धकेल के भेजा आज। तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम आ रहे हो? मैं सरप्राइज देना चाह रहा था, लेकिन तभी मुझे मैसेज आया कि स्टारबक्स में कुछ पैसे कटे हैं। नहीं नहीं वो तो पहले की बात है ना, मुझे लगा सारे स्टारबक्स में तो नहीं, मेरे सारे सरप्राइज तो तुम फेल कर दे रही हो। जाओ बाबूजी के गोड़ लगा, जाओ बाबूजी के गोड़ लगो। अरे बाइक तो बहुत सुंदर बा, नया बैग खरीदा है बेटा, बेटा दो दो बॉटल भी चुरा के लाया है फ्लाइट में से। तो जी शुक्र है फाइनली अविनाश आ गया बहुत वेट के बाद। हाँ मेरे को बिल्कुल पता नहीं था मम्मी, अचानक से बोला ना ये, अब चाय पियेंगे हम आराम से। बेसन के लड्डू कौन निकल रहा है? वो ऐसा ही ले आए, हमने कहा थोड़ा सा खा लेंगे। ये तो लग रहा है कि डाइट का दूर दूर तो कोई नामो निशान है नहीं। नहीं डाइट तो टूट रही है भाई, बिस्किट भकोसा भकोसा भकोसू नाम रख देंगे, खूब बिस्किट भकोसा
गुस्सा जा रहा है। छीन लिया है डिब्बा। हाँ मम्मी आज लिटरली मेरे हाथ से बिस्किट का डिब्बा छीना है। बेबी तुम छोनी को प्यार क्यों नहीं कर रहे हो यार? एक मिनट, छोनी बिचारी अकेली देख रही है तुम्हें। आओ कुकुर पार्टी। कुकुर पार्टी एक ही है ना, दूसरी को धकेल के भेजा है। चलो बाबा। मम्मा ब्रश नहीं करा रही है लग रहा है आज। नहीं नहीं करा। चेरू देखो कौन आया। गीला बच्चा। मेरा बहुत ही गीला बच्चा, पूरा पाँव गीला है। उसको जलन हो रही है। इसकी जलन देख रही है? अभी प्यार करेगी, अभी तो उसको एकदम से वो यकीन नहीं हो रहा है। अरे बेबी मुझे छोड़ नहीं रही है, जब से मैं फ्री हुई हूँ ना टाइम नहीं दे पाई ना। हाँ टाइम नहीं दे पाई ना बच्चों को। अरे 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 बाबा अरे, उसको धक्का दे रही है। अरे काट लेगी बेबी, उसको काट लेगी, ये काट लेगी, ये बहुत बदतमीज है। अरे बाप रे, उतर के उसको अपनी पीठ से धक्का दे रही है। अब उसको भी घुसना है। हिंसा में बड़े तेज हैं भाई। अरे बड़े हिंसक कुत्ते हैं ये। हिंसक नहीं, हिंसा इसमें नहीं। हिंसक प्रवृत्ति के कुत्ते हैं, एकदम अपनी माँ पे गए हैं। इसको चेन खोलो ना। कूद के गोद में बैठ गई। अब तो बिल्कुल नहीं जाएगी। कैंडी जाओ। कैंडी जा, कैंडू जा, घूमी करके आ जा। घूमी करके आओ। नहीं अरे बाप रे, अरे बाप। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। ना जो से कि उसको क्यों प्यार कर रहे हो? मुझे क्यों जाना, आया लेने के लिए। वो तो जबरदस्ती भेजना होगा ना मम्मी, फिर मतलब वो आपसे ताकत नहीं लड़ सकती, तो उसको उठा के ले जाओगे? मना कर दे सकती है, रहने दे। छोड़ दो आज छुट्टी। छुट्टी है ठीक है। कैंडू नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे मेरे। कैंडू कैंडू नहीं जाएगा आज स्कूल की छुट्टी। स्कूल की छुट्टी आज घर में ही कांड करेगा कैंडू। तो जी अभी बज रहे हैं 7:30। मैंने चेंज कर लिया और मैं जा रहा हूँ सोने, क्योंकि वहाँ पर मेरे जितने भी शूट्स थे सब नाइट शूट्स थे। एक भी दिन मेरी नींद पूरी नहीं हो पाई है, और मैं अभी सोऊंगा तो फिर 2-3 दिन की नींद शायद पूरी हो जाए एक दिन में, शायद ना भी हो। तो जी मैं चला। तुम्हारी नींद भी पूरी कर रही है लेकिन। चलो मैं जा रहा हूँ सोने। गुड नाइट। मैं आप लोगों को बाद में गुड नाइट करती हूँ। आई स्टिल हैव टाइम। तो जी रात हो चुकी है, अविनाश जाके सो चुका है। वो तो 7:30 बजे सो गया था, अब हो रहे हैं 9:45। तो हम लोग बैठ के टीवी वगैरह देख रहे थे, और अब हम लोगों ने भी सोचा है कि जब बेटा ही सो चुका है तो माँ बाप के क्या करेंगे। तो इसी के साथ मम्मी ने खिला दिया है मेरे को बेसन का लड्डू। मैंने कहा था मम्मी थोड़ा खिलाओ थोड़ा खिलाओ, लेकिन मम्मी ने कहा बेटा रात को उठ के चोरी करोगी, क्या फायदा, पूरा खा लो। अच्छा आपको बता दूं, मम्मी पता नहीं क्या बात है, मैं रात को ही उठती हूँ बिस्किट चोरी करने के लिए, और मम्मी रंगे हाथों 2 बार पकड़ चुकी है। एक बार तो मम्मी पापा मेरा टकराव हो गया रात को। अभी 2 दिन पहले ना मम्मी पापा और मेरा टकराव हुआ था। पापा बाथरूम गए थे, मम्मी उठी जा रही, मम्मी बाथरूम जा रही थी, पापा बाथरूम से आ रहे थे, और मैं बिस्किट चुरा के आ रही थी। तो तीनों, ये वाला जो मंजर है ना, ये वाला इधर तीनों इकट्ठे हो गए, तीनों ने एक दूसरे को पकड़ लिया। मतलब खासकर मैं, भरा हुआ डब्बा था बिस्किट का। आज मैं सोच रही हूँ क्योंकि बेसन का लड्डू खा लिया है तो अब मैं बिस्किट नहीं खाऊंगी बेसन। लेकिन आज इतने सारे बिस्किट आ गए हैं तो वो भी कौन खाएगा, इतने लाया भर भर के राशन के। आपको कल दिखाऊंगी मैं आराम से कि बिस्किट कितने लाए हम लोग। पता ही नहीं क्यों गणपति बप्पा के नाम पे ना हम लोग इतना भरे हैं राशन। बहुत सामान भैया, बाप रे बाप, सामान ऊपर लाने में हमारी हालत खराब हो रही थी। वो तो कह रही है मैं तो खोलते खोलते रखते रखते बूढ़ी हो जाऊंगी। दीदी ने कहा है कि मैं रखते रखते ही बूढ़ी हो जाऊंगी संभालते हुए। तो मुझे लगता है आज भी ये संभलेगा नहीं, आराम से कल ही संभलेगा। तो अब आपको मिलते हैं इसी जद्दोजहद के साथ अगले जद्दोजहद के ब्लॉग में। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल विच इज संभावना सेठ एंटरटेनमेंट। ये तो अटर है। है? क्या बोली हो मम्मी, ये क्या बोलती हो? क्या बोली है पापा? बोलवाया करो इनसे, बोलवाया करो। गड़बड़ा बोली, मैं गड़बड़ा जाती। थोड़ा बोला, दोबारा बोला। एंटरटेनमेंट रहुआ बोली। देखो देखो आंसू आ गए, आंसू आ गए, आंसू आ गए हंसते हंसते। देखो देखो मम्मी आपके आंसू, रुको मम्मी रात को नहीं हंसना, सो नहीं पाऊंगी। बोलवाया कर मेरे हंसी। तो भोजपुरी में बोला ना, कल ही तो बोली थी, कल ही तो।